गांव पे गांव जाना है। चलो चलो अन्ना को लेके गांव जा रहे हैं ना। अन्ना कहाँ जाएगा? अन्ना खुश है ना? हाँ। नंबर एक नमस्कार, मैं सीमा मिश्रा। मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ जिसका नाम है बाल महिला एवं वृद्ध कल्याण फाउंडेशन। इसी सिलसिले में मैं एक दिन सदर हॉस्पिटल से मुझे फोन आया कि मैम आके विजिट कर लीजिए, एक आदमी के बारे में, बुजुर्ग आदमी है, उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ और फिर आपको एक वीडियो भी मैं दिखाऊंगी। मैं एक दिन सदर हॉस्पिटल गई तो उनसे मिली। ये अंकल जी 15 साल से कर्नाटका से भटकते भटकते रांची रेलवे स्टेशन पे पाए गए और ये इनकी हालत ऐसी है, इनकी 3 बेटियां हैं, ये हिंदी नहीं जानते, हिंदी में बोल भी नहीं सकते हैं, फिर भी ये टूटी फूटी हिंदी जैसे तैसे बोल के। तो उनसे पता चला कि इनकी 3 लड़कियां हैं, खुद इनकी लड़कियों ने, मतलब बेटे तो बेटे लेकिन आजकल की लड़कियां भी ऐसी हो सकती है, शर्म आती है कि एक मैं भी एक महिला हूँ, कि बेटी भी अपने पिता को 2 रोटी नहीं खिला सकती थी और वो उन्हें झूठ बोलकर घुमाने के नाम पर या कहीं ले जाने के नाम पर ले जाके रेलवे स्टेशन पर छोड़ देती है और चली आती है। उसके बाद ये रांची के रेलवे स्टेशन पर पाए जाते हैं, फिर पता नहीं कैसे कैसे सदर हॉस्पिटल से मतलब फोन आता है। तो मैं गई भी कि इन्हें आश्रम भेजने की बात की गई थी, तो मैं एक आश्रम में नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन एक आश्रम में मैंने विजिट किया, कॉल किया तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि मैं इन्हें नहीं रख सकता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा कोशिश की तो वो तैयार भी हो गए। जब उनसे मिलने गई थी तो वो कितने खुश थे कि उन्हें अपने गाँव जाना है, अपनी बेटियों के पास जाना है। उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें आश्रम ले जाया जा रहा है, लेकिन उनकी खुशी को देखकर आप एक वीडियो देखिएगा तो आपको खुद उनके अनुभव, आपको उनके मतलब अनुभव जो हैं आपको पता चल जाएंगे कितने खुश वो नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी देखकर, मुस्कान देखकर और एक्साइटमेंट देखकर आपको पता चल जाएगा कि वो अपने घर जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए कितने खुश हैं। उन्हें ये भी पता नहीं है वो आश्रम जाने वाले हैं। ऐसा क्यों करते हैं आजकल के बच्चे? अरे क्या चाहिए बुढ़ापे में? 2 रोटी और दवा, और क्या चाहिए? साथ रखिए आपके माता पिता है, अगर आपको कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम संस्कार तो देंगे। 4 दिन की जिंदगी है, ये ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है और जाने के नाम पर देखिए ये अपने पूरा वीडियो में आपको पता चलेगा, अपने जितने भी बोरिया बिस्तरा है सारे समेट उमेट के सेविंग वगैरह करवा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितने एक्साइटेड हैं ये जाने के लिए अपने गांव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपना प्यार दीजिए, कमेंट के रूप में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गावचे नाव सांगा, गावचे गुलबा। हाँ मैडम, गलवारा घर जाइएगा ना। हाँ पूछने घर जाने के आश्रम जाने के, आश्रम जाएंगे कि घर जाएंगे? चचा नहीं, गांव गांव जाना है। बस में जाइएगा, ट्रेन में जाइएगा? हाँ बस में कि ट्रेन में? किसी से भी चले जाइएगा। आश्रम नहीं जाना चाहते हैं क्या? आश्रम नहीं जाना है? आश्रम पहुँचा दें आपको? आश्रम जाइएगा? घर जाइएगा कि आश्रम? आश्रम जाइएगा कि घर? आश्रम मत जाओ से कि घर ही जाओ से? और घर के जाके पास से घर ही पास से शायद मैंने घर के ही पास आश्रम उसमें डाल देंगे। ये देखिए सदर हॉस्पिटल में एक वृद्ध पड़े हुए हैं, इन्हें मैं आश्रम पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। ये घर से भागे हुए हैं, ठीक है? आप भूल गए कि भाग के आए हैं? भूल गए, भुला गए मैम। ये घर से भूलते भटकते यहां पहुंचे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ इन्हें आश्रम पहुंचाने के लिए। बोलिए, आश्रम पहुंचा देते हैं, ठीक है? कन्नड़ था, कन्नड़ कन्नड़ है। आश्रम में से जैसे आश्रम में दे, ठीक है? चलिए नमस्ते बाबा, ठीक है? थैंक यू।